मंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने कहा है कि अपने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मित्र को समझाएं, क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू साथ में कई बार क्रिकेट खेले हैं एवं अच्छे दोस्त भी हैं। इसी के चलते उन्होंने यह कहा कि वह इमरान खान को समझाएं कि आतंकवादी गतिविधियों में भारत के खिलाफ खड़े ना हो। द की टेररिस्ट लाइक अजहर मसूद एंड बोथ ऑफ कैन बी हैंडेड ओवर बाय पाकिस्तान एज यू आर ट्रीटेड। If they are seriously considering or thinking of fighting terrorism, the first step they should take is to hand over Hafiz Saeed and Masood Azhar back to India, who themselves have claimed that they were a part of the conspiracy in Mumbai attack and this recent attack in Kashmir. Sir, आपने ट्वीट भी किया है, सिद्धू जी को भी एडवाइस किया है। सिद्धू जी को एडवाइस ली की है क्योंकि सिद्धू जी के मित्र हैं इमरान खान, दोनों साथ क्रिकेट खेले हैं, इसलिए उनको मैंने अनुरोध कहा है कि समझाइए अपने दोस्त को। आपको लगता है कि आपकी बात मानेंगे सिद्धू जी? माननी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से पूछ लीजिए। इसी के साथ प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन के विधानसभा में दिए गए मंदसौर गोलीकांड में भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट देने पर भी नाराजगी जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मामले की जांच परख कर ली जाए, उसके बाद इसके बारे में कुछ कहा जाए। वहीं वन मंत्री के दिए हुए बयान पर भी खासी नाराजगी जताई, जिसमें वन मंत्री ने कहा है कि नर्मदा किनारे लाखों की तादाद में पौधे लगाए गए हैं जो कि सही सलामत भी हैं। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो खुद पैदल यात्रा कर नर्मदा से आए हैं। मंत्री जी आज तक वहां गए नहीं है, फिर इस तरह की बात वे कैसे कह सकते हैं? मैंने आज अखबार में देखा कि माननीय गृह मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी ने भाजपा का को एक क्लीन चिट से दे दी। गृह मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया कि मंदसौर की जो पुलिस फायरिंग हुई थी किसानों पर, उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। ये तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। सो आर यू रियली अगेंस्ट? दूसरा, माननीय वन मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि नर्मदा किनारे जितने भी पेड़ लगाए गए सही लगाए, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अरे मैं 3100 किलोमीटर चला हूँ जनाब, आप कितने किलोमीटर चले हैं जरा पता लगाइए। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्या जरूरत है माननीय मंत्री जी को भाजपा को डिफेंड करने की? वहीं इसी बात को लेकर जब प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं कही है जिससे बीजेपी का बचाव किया जा सके, बल्कि उन्होंने पुरानी सरकार की रिपोर्ट को पेश किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही मंदसौर गोली हत्याकांड की दोबारा से जांच की जाएगी। आपने ऐसा जवाब दिया है, दिग्विजय सिंह आपकी पार्टी के बड़े नेता है, वो नाराज है इस बात से कि आपने जिस तरह का जवाब दिया है कि आपकी पार्टी की लाइन नहीं दे दी आपने। नहीं नहीं, हम कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं? हमने उसमें साफ बात ये बोली है, ये जेएन जांच आयोग का मैंने उसमें उल्लेख किया है, ठीक है। वो उसको हम परीक्षण करवा रहे हैं, परीक्षण का दूसरी चीज, वो विधानसभा की पटल पर रखी जाने के बाद वो सार्वजनिक भी होगी। सार्वजनिक होने के बाद मतलब सार्वजनिक होगी और परीक्षण से हम अगर संतुष्ट नहीं हैं तो हम पुनः उसकी जांच कराएंगे। तो अपनी दिग्विजय सिंह जी को क्या कहोगे? नहीं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी से मेरी बात हो जा चुकी, मैंने उनसे बात कर ली है और उनको मैंने ये सब ये बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी के गोपाल भार्गव ने कहा है कि कांग्रेस सरकार शासन में आने से पहले मंदसौर गोलीकांड को लेकर कई बार माला जप्ती नजर आई, वहीं पुलिस के अधिकारियों अन्य लोगों को फांसी तक पे चढ़ा देने की बात कही, लेकिन शासन में आने के बाद अचानक गृह मंत्री का इस तरह से क्लीन चिट देना समझ से परे है। वहीं गोपाल भार्गव ने दिग्विजय सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि वे वरिष्ठ नेता हैं और 10 सालों तक प्रदेश के मुखिया भी रहे हैं, अगर वे कुछ कह रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि गृह मंत्री बाला बच्चन द्वारा भारतीय जनता पार्टी को क्लीन चिट दे दी है तो इस सवाल से वो बचते नजर आए। इसके मंत्री पूरी तैयारी के साथ में इस समय विधानसभा सत्र में नहीं आ रहे, ना उनके उत्तर आ रहे हैं। आप जिस मंदसौरी घटना का उल्लेख कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के पहले तक कांग्रेस ने पूरी माला लेके ऐसा ऐसा जाप किया, मंदसौर किसानों पर अत्याचार, ये हुआ वो हुआ, जांच कराएंगे, पुलिस को अभियोजित करेंगे, दंड दिलाएंगे, प्रशासन के अधिकारियों को दंड दिलाएंगे, जेल भेजेंगे, किसी ने तो कहा 302 की दफा लगना चाहिए, किसी ने कहा फांसी लगाया जाना चाहिए। अब यही सरकार
यही पार्टी जब सरकार में दो महीने से आई है और अभी पहला सत्र हुआ कल शुरू प्रश्नोत्तर काल, तो उसमें उन्होंने कहा मंदसौर में कोई अधिकारी दोषी नहीं, कोई प्रशासन दोषी नहीं, और उन्होंने अपनी सेल्फ डिफेंस में सब काम किया था, और ये सारी की सारी बात जो उन्होंने पहले कही थी ये बात रोहित हो गई समाप्त। अब दिग्विजय सिंह ने अपने ही गृह मंत्री को फटकार लगाई इस चीज को लेकर कि ये सब ऐसा नहीं है, सब गलत जवाब पेश किया गया है विधानसभा। मैं दिग्विजय सिंह जी की इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो राज्य के 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, कुछ समय अपोजिशन में विधायक के तौर पर ही बैठे हैं वो, और इसलिए यदि दिग्विजय सिंह जी जैसे जिम्मेवार आदमी ने, अनुभवी आदमी ने अपने मंत्रियों से कहा है कि वो सही उत्तर दें प्रश्न का, पढ़ें लिखें और पूरी जानकारी के आधार पर सही उत्तर बनाएं, तो निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी की सीख के लिए मंत्रियों को लेना चाहिए, क्योंकि बहुत से मंत्री इसमें जो हैं बहुसंख्यक मंत्री पहली बार मंत्री बने हैं और दूसरी बार विधायक बने। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी को जो क्लीन चिट दी है वो गलत दी है? नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जिस आधार पर इन्होंने पूरे मंदसौर और मालवा में बल्कि पूरे प्रदेश में किसानों पर अत्याचार का जो मुद्दा बनाया था और प्रशासन को पुलिस की जाति का जो मुद्दा बनाया था, वो बढ़ चढ़ के ये तक बात की थी कि हम पुलिस के लिए फांसी लगवाएंगे, पुलिस की जांच करवाएंगे, सारी बातें उन्होंने कही थी, और अब बात को मुकर के वो कहते हैं अपने उत्तर में, विधानसभा के आधिकारिक उत्तर में कहते हैं कि नहीं पुलिस का कोई दोष नहीं था, प्रशासन का कोई दोष नहीं था, सेल्फ डिफेंस में सब काम हुआ है। तो ये क्या वो पहले सिर्फ वोट कबाड़ने के लिए सब बातें कर रहे थे और अभी जो बातें कह रहे हैं वो किसी अधिकारी को बचाने के लिए कह रहे हैं, वो स्पष्ट वो करें उस बात को। लेकिन गृहमंत्री कह रहे हैं कि दोबारा से जांच करवाएंगे, जो जांच आयोग की रिपोर्ट जिन आयोग की रिपोर्ट है उसकी दोबारा जांच होगी और क्लीन चिट अभी नहीं दी, गृहमंत्री का कहना है। अरे ये तो अब ऐसा है सुधार बाद में सुधार करना का, ये जो आधिकारिक रूप से विधानसभा की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई, आपने मान लिया कि आप प्रशासन ने ये सब गड़बड़ी नहीं की, सरकार ने पुलिस ने गड़बड़ी नहीं की, सेल्फ डिफेंस में हुआ, जब मंत्री ने आधिकारिक रूप से उत्तर दे दिया तो अब जांच आयोग